भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान समय के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन को उनके समर्थक व भाजपा कार्यकर्ता सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा के विधायक योगेश सागर के मार्गदर्शन में भाजपा समर्थक समाज सेवक दिनेश झाला द्वारा कांदिवली पश्चिम के भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मनपा अस्पताल में फल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रमुख अतिथि के रूप में भाजपा के उत्तर मुंबई जिला अध्यक्ष गणेश खनकर और पूर्व नगर सेविका प्रियंका मोरे, पूर्व नगर सेवक कमलेश यादव विशेष तौर पर मौजूद थे। आए सभी अतिथियों और समाज सेवक दिनेश झाला, मुकुंद काकड़, गोपाल सूरा, पीयूष शाह और राजेश भाटिया ने अपने हाथों से मरीजों को फल देकर उनका हाल चल जाना और अस्पताल के सुविधा व असुविधा के बारे में भी मरीजों से जानकारी ली। पेश है हमारे संवाददाता रितेश तिवारी की एक खास रिपोर्ट। आज हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे ज्येष्ठ नेता आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी का जन्मदिन है और महाराष्ट्र की अभी की स्थिति देखते हुए उन्होंने आह्वान भी किया था कि मेरे जन्मदिन पर कोई होर्डिंग, पोस्टर, बैनर ये सब न लगाए, कोई भी आतिशबाजी न करे, ये न करते हुए कोई ना कोई सेवा का काम करना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी होती है कि आज यहाँ पर झाला जी ने और हमारी पूर्व नगर सेविका प्रियंका ताई, हमारे पूर्व नगर सेवक राजू भाई व्यास, इन सारे लोगों की उपस्थिति में आज यहाँ पर मरीजों को फल वितरण का कार्यक्रम रखा है। मुझे लगता है ये कार्यक्रम हम सेवा के निमित्त यहाँ पे कर रहे, जो पार्टी ने हमें आदेश दिया था, इन गरीबों के आशीर्वाद मिले। और साथ ही में ये फल देते हुए हम यह भी देख रहे हैं कि इस हॉस्पिटल में आने के बाद क्या क्या कमियाँ हमें दिखाई दे रही है। सरकार तो आई है, सरकार आई है तो सिर्फ बैठने के लिए नहीं है, कुछ ना कुछ इसमें से हमें नया जो जनता के लिए चाहिए वो देने के लिए सरकार आई है। और इसीलिए हम आज यह फल भी दे रहे हैं और इसकी आवश्यकता क्या है इसका भी आज हम यहाँ पर जायज़ा ले रहे हैं। इस निमित्त जो कार्यक्रम आज यहाँ पर हुआ है उसके लिए मैं विशेष रूप से इस कार्यक्रम के आयोजक झाला जी, उनके पूरा परिवार, उनके सारे सहयोगी जो ये कार्यक्रम आयोजित करने में हम सभी को सहायता कर रहे हैं, उन सभी का मैं एक बार हृदय से आभार भी प्रकट करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। और एक बार फिर से हमारे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी को आज माजी मुख्यमंत्री अपने देवेंद्र ने, हमारे नेता देवेंद्र जी फडणवीस साहब और अभी के वो उप मुख्यमंत्री, ये आज जो कार्यक्रम रखा है उनके जन्मदिन के अवसर पर हमारे झाला जी ने ये आयोजित किया है और इस अवसर पे हम लोग इधर हॉस्पिटल में फल देने के लिए आए हैं। और फल देते समय मुझे बहुत सारी इधर जो जो कुछ प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम मुझे दिखाई दिया और हमारे अध्यक्ष आदरणीय जिला अध्यक्ष उत्तर मुंबई जिला के अध्यक्ष गणेश खनकर जी, उन्होंने भी देखा कि ये कार्यक्रम में आज हम लोग इधर आए लेकिन जो दिखाई दिया हॉस्पिटल का जो हाल है वो हाल गए अढ़ाई साल में जो हुआ है वो हम लोग नहीं करेंगे और हमारा अपना वो जो सरकार आया है वो हम लोग जाति से मीन्स जैसे कि आने वाले समय में ये हॉस्पिटल में कुछ भी कम नहीं गिराएगा, ये हमारे नेता और हमारे जिला के अध्यक्ष गणेश खनकर जी हम लोग सब ध्यान देंगे और इधर आते समय जो भी कुछ काम रहेगा तो ये हॉस्पिटल में सब सहयोग करेंगे। झाला जी, आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके आपको कब ये विचार आया कि आप सेवा भाव करना चाहिए उसके बारे में? आज हमारे नेता श्री फडणवीस जी, उनका जन्मदिन है, उनकी इच्छा थी कि कोई हर्षोल्लास न मनाया जाए और आज के दिन कोई सेवा का कार्य किया जाए, तो वो सोच ही हमको यहाँ तक लेके आई। और हमारी ऐसी इच्छा थी कि ये सेवा कार्य में से ये जो भी गरीब लोगों की हमें दुआएं मिले वो साहब के लिए कुछ काम में आए, क्योंकि साहब इतने अच्छे डिसीजन भी ले रहे हैं। अभी आपने देखा होगा सरकार में कितने फास्ट डिसीजंस हो रहे हैं, जैसे OBC का आरक्षण हो, वो सब हो, तो ये सब करने को साहब को और शक्ति मिले और उनको अच्छा आयुष्य मिले, ये हम दुआएं करते हैं और ये सारी दुआएं हम उनको सुपुर्द करते हैं। ये हिसाब से हमने ये आज कार्यक्रम रखने का आयोजन किया था।